निगम वाहिनी के समीप नगर निगम द्वारा बनाया गया SLRM सेंटर अनुपयोगी साबित हो रहा है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद से ही इसमें ताला जड़ दिया गया है, जिससे यह सेंटर दिखावा मात्र साबित हो रहा है। शहर से निकले सूखे और गीले कचरे के पृथकीकरण और उसे उपयोगी बनाने नगर निगम द्वारा प्रथम वाहिनी के समीप SLRM सेंटर का निर्माण लाखों रुपए की लागत से किया गया था। कार्य पूर्ण होने के बाद से ही इसमें ताला लगा दिया गया है। जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण कराया गया था वह कारगर साबित होता नहीं दिखाई दे रहा है। पेयजल और शौचालय की व्यवस्था यहाँ उपलब्ध कराई गई है, लेकिन घरों से निकले सूखे और गीले कचरे को उपयोगी बनाने कार्य आरंभ नहीं किया जा सका है। सेंटर दिखावा मात्र साबित हो रहा है, इससे नगर निगम की कार्य प्रणाली पर अब सवाल खड़ा होने लगा है। शहर को कचरा मुक्त करने नगर निगम प्रशासन द्वारा एक महती योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके तहत सूखे कचरे को बेचने और गीले कचरे से खाद बनाने एक अच्छी योजना की शुरुआत की गई थी, जो काफ़ी दिनों तक देखने को भी मिली। और नगर निगम द्वारा लगातार खाद गीले कचरे से खाद बनाकर उसे बेचा जाता था और सूखे कचरे को अन्य स्थानों पर जो उनका उपयोग करने वाले अन्य संस्थान उन्हें सौंपा जाता था। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के समीप एक नगर निगम द्वारा लाखों रुपये की लागत से बनाए गए SLRM सेंटर में। इस SLRM सेंटर का निर्माण काफ़ी वक्त पूर्व हो चुका है। यहाँ तमाम संसाधन उपलब्ध कराए जा चुके हैं, टॉयलेट से लेकर पानी से लेकर के उत्पादों को तैयार करने को लेकर, लेकिन अभी तक इसका शुभारंभ नहीं किया, किन्हीं कारणों से इसका शुभारंभ नहीं किया जा सका है। ऐसे में नगर निगम की जो महती योजना है, क्योंकि फाइलों में बंद होकर ही कहा जाए तो फाइलों में ही बंद होकर रह गई है, इस योजना का शुभारंभ नहीं होने से नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि जो शहर के दूसरे अन्य स्थानों में भी SLRM सेंटर है, वहाँ भी कार्य की गति काफ़ी धीमी है। सूखा और गीला कचरा जो सफाई मित्रों द्वारा बराबर पहुँचाया जाता है विभिन्न माध्यमों से सेंटरों में, SLRM सेंटरों में कलेक्ट भी किया जाता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। अब जिस योजना को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के, लाभ कमाने के उद्देश्य को लेकर के नगर निगम द्वारा जो यहाँ पे इस सेंटर का निर्माण किया गया था वो अनुपयोगी साबित हो रहा है। इस परिसर के अंदर भी कई जगह पे डिस्पोजल से लेकर पानी पाउच डिस्पोजल से लेकर तमाम वो सब चीज़ें पड़ी हुई है, जिसका उपयोग दूसरे पदार्थों के लिए किया जाता है, नशाखोरी के लिए किया जाता है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी इसे लेकर के उदासीन बने हुए हैं। ऐसे में ये कैसे कहा जा सकता है कि कचरा, शहर को कचरा मुक्त बनाने नगर निगम की ये कवायद कहां तक कारगर साबित होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।